गुरु सत्संग जीओ लड़ी वार एक विचार दास आपको सरवण करा रहे हैं। पौन गुरु गुर शब्द है वाहिगुरु जप मंत्र सुनाया धरती माता महत कर ओत पोत संजोग बनाया। भाई साहब भाई गुरदास जी पौन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत। पवन नु इस वास्ते गुरु के बोलना पवन करके देही माटी बोले पवन। ये जीवन दा वाजा इस तरह है ये पवन नाल वजदा जिमें हारमोनीयम शहनाई मुरली नरसिंगा संख पनीरी इत्यादक बाकी साज टकराव नाल वजदे ने चोट नाल वजदे ने आहत जैसे तत्तंती वित चरम का घन का सीका जान। तंती साज तत् शब्द चमड़े दे मड़े साज वित शब्द धातुआं दे आपस तो टकराव चो जिहड़ी धुन पैदा होंदी है घन शब्द घड़े दे उत्ते थाप मारन लाल जिहड़ी आवाज़ पैदा होंदी है नाद सुगर स्वास पहचान जो स्वासां दे टकराव तो पवन दे टकराव तो पैदा होंदी है उन्हों सुकर कहिंदे। जिस अनाहद नाद दे नाले सारा संसार बने है कीता पसाओ एको कवाओ एक कवाओ नाल ए जो सारी संसार दी रचना हुई है उस कवाव देच उस आवाज़ देच इना पंज शब्दां दी धुन है। तंती साज चमड़े दे मड़े साज धातुआं दा टकराव घड़े तो थाप देन नाल नाद ते सुकर शब्द शहनाई मुरली नरसिंगा संख इत्यादक इना सारे साजां दी आवाज़ नू जो अनुभवी पुरशां ने पकड़े है वो किन ओ नाद ओ कवाओ ओ अनहदा शब्द अपने विच इस तरह दियां पंज आवाज़ां रखदा है इनू पंच शब्द कहिंदे है। ये सीधा परमात्मा तो आया है उस अनाहद नाद नू सुन के जो बयान करन दे समर्थ ने और जन्म तो समर्थ है इन्हां नू अवतारी पुरश कहिंदे ने। पर जो साधना करके सुन लैंदे ने ते सुणाउण दे च समर्थ हो जांदे ने ये भी अंसा अवतार कुछ कला अवतारां दे च शुमार हो जांदे ने। सुन ते लिया है सुना नहीं सकते अपने विच आनंदित ने समाधि लीन ने इन्हां दे कदमां दे निशान जमीन ते नहीं बनते। होर केते तुदनो गावन से मैं चित ना आवन नानक क्या विचारे। हे प्रभु गाउंदे ते तेनों होर भी पै ने गा गा के तेरे नाल जुड़े ते होर भी बथेरे ने पर मेरे चेते च नहीं क्योंकि उन्हां दे कदमां दे निशान जमीन ते नहीं बने वो बोले नहीं। अनहद नाद नूं सुन के आनंदित हो गए प्रभु विच लीन हो गए पर अनाहद नाद नूं बयान नहीं कर सके कह नहीं सके। इस वास्ते कहिंदे ने हर अवतारी पुरश दे कोल परमात्मा दा कलाम आउंदा है परमात्मा दे बोल आउंदे ने हर अवतारी पुरश कोल जिस कोल नहीं आउंदे जो सुनाउण दे समर्थ नहीं है ते आनंदित होवेगा वो फिर भगतां दी श्रेणी च गिणिया जांदा है वो पीरां फकीरां संतां दी श्रेणी च गिणिया जांदा है अवतार कोटी दे च नहीं आउंदा। एह गल वखरी है कि आनंद उस कोल भी उही आउंदा है जो अवतारां कोल होंदा है अवस्था उस दी भी उही होंदी है पर वो बयान करन दे च असमर्थ होंदा है। हुण मैं जो विचार आरंभ की थी सी भावें इस दे बहुत सारे पहलू ने
ते बहुत सारे पहलुओं नूं वर्णन करन वास्ते बहुत सारा समा चाहिदा सी। दास कोल सीमित समा सी, इस वास्ते को खास जिहड़े जरूरी पहलू ने ओह मैं तुहाडे सामने रख रहा। आवाज़ धुन बड़ी गहराई चो निकलती है, सिर्फ जबान ही नहीं प्रगट करती, इस चक्कर च ना पैना, बहुत गहराई चो निकलती है। जैसे अंदर फुरना पैदा होता है, बोलना है, कुछ कहना है, उसे वक्त पवन नाभी नाल टकरा जाती है। तो मैं फिर अर्ज कर दिया, साडे देश दे सारे संत ऋषि मुनिया अवतारा ने नाभी नू नाभी नहीं आख्या, नाभी नू धुनी आख्या, धुनी। आखरी प्राण भी इसे विच आउंदा है। हाथ सुन हो गए ने, पैर सुन हो गए ने, मनुख अजे मरिया नहीं है। अखां सुन हो गई हैं, जबान बोलन तो रहत हो गई है, पर अजे गंड खुली नहीं, अजे नाभि खुली नहीं। आखरी प्राण नाभि दे चाहुंदा है। इनू महाराज कहिंदे ने आज काल खुले तेरी गांठड़ी, अज कल ए तेरी गंड खुलेगी, और इसे विच ही आखरी प्राण है। वो जैसे निकलदा है, चूंकि खास प्राण है, आखरी प्राण है, तो फिर शरीर नूं हिला के रख देंदा है। हथ मरोड़े तन कपे स्याओ होआ से, जैसे नाफ दे चों ये आखरी प्राण निकलदा है, मनुख दियां मुठियां बंद होंदियां, कंबड़ी छिड़दी है, दंदियां वजदियां ने, स्याणे अनुभवी कह देंदे ने गंड खुल गई, नाभ खुल गई, आखरी प्राण चला गया। जीवन दा केंद्र भी आपदी ज्ञातली अर्ज करा, धार्मिक विद्वान नाभी नूं मंनदे, धुन भी इत्थों ही उठती है, आवाज़ इत्थों ही उठती है। नाभी इंज कह लो शहनाई दी तरह, मुरली दी तरह, या हारमोनीयम दी तरह, संख दी तरह, नरसिंगे दी तरह एक साज है। जैसे पवन टकरांदी है, नाफ थोड़ी जिहा खुलदी है, आवाज़ निकलती है, उन्हों कहिंदे ने परा। सिर्फ धुन है, हिरदे तक पहुँचती है, इनू अक्खर मिल जाते हैं, कंठ तक पहुँचती है, पूरा वाक बन जाता है, जबान बयान कर देती है, इनू बैखरी कहते हैं। जो जी होए सो उगवे मौका के आवा, निरी जबान की गल नहीं, जो जीव दे जो नाभि दे गहरे तल तो उठता है, ओही जबान बयान करती है, उसे नो जबान प्रगट करती है। वाहेगुरु वाहेगुरु ऐसा मेरे अंदर फुरना होया कहना है, एकदम पवन टकराई है, एकदम धुन उठी है, ये सारा काम बड़ा जल्दी प्रकृति ने नियम बनाया, ऑटोमैटिक होता है। अखर मिलते ने, कंठ तक पूरा वाक बनता है, जबान बयान कर देंगी। परा पसंती मधमा बैखरी, इस रस्ते चो ये धुन निकल के जबान दे राही बार प्रगट आती है। जिथों ये धुन उठी है, इतनी गहराई नाल अगर कोई सुने तो ये धुन वापस जाएगी। जिन्हां रस्तियां तो बाहर आई है, उन्हें रस्तियां दे राही वापस जाएगी। कबीर कहिंदे ने मैं दिन रात यही साधना कर रहा, उल्टी गंगा जमन मिलाओ, गंगा नू पलटा के उल्टा के, ये गंगा जिथों जन्मी है, जिथों निकली है, मैं पलटा के उथे ले जा रहा। धुन नू आवाज नू कबीर गंगा कह रहे हैं, जिथों जन्मी है, ये धुन जिथों उठी है, पलटा के मैं उथे ले जा रहा। त
तो पलटा के उत्थे तक तां जाएगी। कोई बहुत गहरी स्रोत होवे ते ध्यान दी पूरी एकाग्रता होवे, इस वास्ते धर्म दी साधना ध्यान साधना है। और पूर्ण ध्यान नाल वाहिगुरु कहना इतना कठिन है कि गुरु नानक देव जी महाराज नूं भी कहना पिया, आखण औखा साचा नाम, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, ऐ मैं चार दफा आख लिता की औखा है। ते बच्चे भी कहिंदे फिरदे, इत जना खणा आखी फिरदा, इतने बोले होया हवा च उड़ गया, कुछ भी नहीं है, इहदे नाल नहीं कुछ होवेगा। मैं थानू निराश नहीं करदा, पर प्रकृति ने नियम यही बनाया, जो भोजन की बुरकी मेरे कंठ तो थले नहीं गई वो मेरी भुख नहीं मिटाएगी, वो मेरे शरीर का हिस्सा भी नहीं बनेगी, खून मिंज मास नहीं बनेगी। जो धुन मेरे अंदर गई नहीं, जो गुरु का शब्द मेरे अंदर गया ही नहीं, मेरे दुख नहीं मिटणगे, मेरे पाप नहीं मिटणगे। अंदर ही नहीं गया शब्द, पानी का घुट अंदर ही नहीं गया तो प्यास किस तरह मिटे, भोजन की बुरकी अंदर ही नहीं गई तो भुख किस तरह मिटे। हुण ध्यान नाल सुनना, भोजन नाल भुख मिटदी है। चिंता सारी जिंदगी मनुख नूं रोटी दी है, रिजक दी है, और कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता होवेगी रिजक दी है, रिजक मैनू मिलता रहे, मेरे बच्चियां नूं मिलता रहे, पोतरियां नूं मिलता रहे, पड़पोतरियां नूं मिलता रहे, नोटां दे बंडल रोटियां दे ही बंडल ने, और कुछ भी नहीं है। चिंता रिजक दी आउंदी है, उहदा एक कारण पानी की बारिश होंदी है, पानी के दरिया भी चलते हैं, पानी का सागर भी है, अरब देशों सागर के पानी को साफ करते हैं, इनू इतना गरमाते हैं, इसकी भाप को ही फिर ठंडा करते हैं, जल बनता है, नमक थले रह जाता है, उ पीते हैं। विचारियों कोल होर जल है नहीं, इतना हर मुल्क ने प्लांट लाए हुए ने, इस तरह के सागर के पानी को साफ करते हैं, पीते हैं। तो पानी का तो सागर भी है, दरिया चलते हैं, बारिशा भी आदियां ने, रोटियां का सागर नहीं है, रोटियां के दरिया भी नहीं चलते, रोटियां की बारिश भी नहीं आती, कमानी पैंदी है, कमानी पैंदी है। पानी शायद हर जगह मिल जाए, रोटी हर जगह नहीं मिलेगी। इस वास्ते कदी मनुख नहीं कहता कि मैं पानी कमाण वास्ते एक शहर तो दूजे शहर जा रहा, मैं पानी कमाण वास्ते एक मुल्क तो दूजे मुल्क जा रहा, हर एक इंज कहता रोटी कमाण वास्ते दूजे मुल्क जा रहा, मैं रोटी कमाण वास्ते दूजे शहर जा रहा। कारण मनुख जिथे बैठा है जरूरी नहीं इहदा रिजक उत्थे होवे, नहीं आउंदा। साहब ऐसा कहिंदे ने, नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे जहां दाने, जिथे दा रिजक पे है, जहां दाने तहां खाने, नानका सच है, ये सच्चाई है। रिजक जिथे पे है रिजक खिंच के लै जाएगा, लै जाएगा। जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। महाराज कहते हैं एक बड़ी प्रबल सच्चाई है, मनुख का रिजक बिखरिया होया लभना पैंदा है। इस वास्ते कहते हैं रोटी कमानी पैंदी है, ईश्वर ने नाल मेहनत जोड़ी है ताकि मनुख तो कुछ होंदा रहे। जिवें पानी की बारिश आउंदी है, इस तरह ही रोटी की बारिश आउंदी, मनुख ने कुछ भी नहीं करना सन, ना कारखाने बनने सन, ना रेलां मोटरां गड्डियां चलनियां सन, ना हवाई जहाज, ना ये कारोबार, ना ये बाजार, कुछ भी नहीं होना सी। ये सब रिजक दी चिंता करके आंदा है। रोटी कमानी ही औखी है, रोटी पकानी भी औखी है, रोटी खानी सौखी है। खांदियां स्वाद भी आ जांदा है, खांदियां भुख भी मिट जाती।
हुण दूजा नुकता, भजन ये भी भोजन है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, परमात्मा का नाम ज्ञान भोजन है, पर सूक्ष्म शरीर का, अस्थूल शरीर का नहीं। ये भजन ये भोजन कमाना तो सौखा है, पकाना भी सौखा है, गुस्ताखी माफ खाना औखा है। इस वास्ते साहब कहते जे को खावे, कोई खावे तो सही, जे को खावे जे को भुनचे, फिर खादा होया हजम भी करे, पछे ना तो उल्टियां आने लग पैंदियां ना। एक खावे जे को खावे जे को भुनचे तिसका होयो उदार, पार उतारा तो उसे दा ही होवेगा जो खावे। सारी जिंदगी कईयां दी ये भजन करदियां ही लंघ जांदी है, इस तरह रोटी पकांदियां लंघ जांदी है, कमांदियां लंघ जांदी है, खांदे नहीं, खांदे नहीं। भजन प्रभु दा नाम, सूक्ष्म शरीर दी लोड़ है, इस अस्थूल शरीर दी लोड़ नहीं है, बिल्कुल लोड़ नहीं है, उक्की लोड़ नहीं है। किसे थां भी शरीर दी जांच पड़ताल करिए, वाहिगुरु वाहिगुरु दा आखना इहदी लोड़ नहीं है, ये कथा कीर्तन इस दी लोड़ नहीं है, इस तो बिना शरीर दा काम चल सकता है, मन दा काम नहीं चलेगा। मन व्याकुल होंदा जाएगा, बेचैन होंदा जाएगा, संतुलन गवा बैठेगा, तो एकाग्रता बख्शनी। ये सूक्ष्म शरीर दी गजा है, खानी औखी है, रोटी मूंह दे राही खानी पैंदी है। भजन भोजन जो सूक्ष्म शरीर दा है, ये कन्ना दे राही छकना पैंदा है, सुन के ही शब्द ने अंदर जाना है। भोजन दी बुरकी मूंह दे राही अंदर जाएगी, गुरु दा शब्द कन्ना दे राही अंदर जाएगा, मूंह दे राही अंदर नहीं जाएगा। बड़े ध्यान नाल सुनना, रोटी हथां नाल पकांदे आ, भजन ते जबान नाल करना पैंदा है। रसना नाम जपो तब मथिए, इन बिद अमृत पाओ। जबान कम कर दी है भजन बनाण दा, वाहे गुरु मैं आख्या ये भजन हो गया, ये तैयार हो गया, ते जे हुण मैं सुनिया ते छकिया गया, सुनिया नहीं ये रोटी बाहर रह गई, भुख नहीं मिटेगी, दुख ते पाप नहीं मिटणगे। उम्मीद ये गल पकड़ दे चाहिए, रोटी कमानी औखी है, पकानी औखी है, खानी सौखी है। भजन करना तो सौखा है, घंटे घंटे भी मैं देखे ने लोकी करदे ने, कई वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, कई मैनू मिलदे ने, अज असी चार पाठ सुखमनी साहब दे कीते ने, सारा दिन जपदे ने, फिर मैनू कहना पैंदा गुस्ताखी माफ, मस्तक दे उत्ते ते एक पंक्ति दी छाप भी नहीं है, की होया तू चार सुखमनी साहब दे पाठ कर ले। किनका एक जिस जीव वसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। किनका मातर भी कोई छक लवे, जे को खावे जे को भुनचे। किनका मातर, किनके च भी बड़ी बरकत है, बड़ी महिमा है। भोजन ते मनुख कई दफा जरूरत तो ज्यादा भी छक लेंदा है, भजन नहीं छकदा, जे को खावे नहीं खांदा, नहीं खांदा। कारण खाना औखा है, सुनना औखा है, जिन्हों तुसी सुनना कहिंदे हो ये सुनना नहीं है, उपरों उपरों है, इहदे नाल जिंदगी नहीं बदलती, उक्की नहीं बदलती, गुस्ताखी माओ नहीं बदलती। मैं अपनी जिंदगी का अनुभव ही रखता पिया थोड़े सामने, और अज तक वक् वक् शहरां च भ्रमण करके सत्संगियां नूं भी देखिया है, 40 साल पहले जिथे सन अज भी उत्थे ही ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
कारण भजन कीता नहीं है, कीता है छकया नहीं है, नाम छकया नहीं है, जे को खावे जे को बुनचे छकया नहीं है। छकना की है सुनना। मैं फिर अर्ज करा, रोटी मुंह दे राही अंदर जाएगी, गुरु दा शब्द कन्ना दे राही अंदर जाएगा। भोजन दी बुरकी मुंह दे राही अंदर जाएगी, शरीर दी दुनिया दी पूर्ति करेगी, भुख बाहर निकलेगी। गुरु शा शब्द कन्ना दे राही जैसे मन दिच जाएगा, मन दी दुनिया नू बदल देगा, मन नू परम आनंदित कर देगा, मन परम रस दे चला जाएगा। इस वास्ते मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, ये छकना औखा है, भाव सुनना औखा है। गुरु दा शब्द मैं उच्चारण कीता है, जिन्हां पड़ावां तो लंघ के बाहर प्रगट होया है वाहे गुरु, वापसी उन्हां पड़ावां करके जाएगा, पर दरवाजा अलग है। जबान दे राही शब्द प्रगट होया है, कन्ना दे राही शब्द अंदर जाएगा। सरवणन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। सारी सारी रात रहन सपाई गाण वाले भी मैं देखे ने, मैनू नहीं उम्मीद 2 मिनट सुनते अवन, नहीं तो जिंदगी बदल जानी सी, क्रोध नहीं रहना सी। बड़ी ईरखा, बड़ा हंकार, बड़ा क्रोध, अदोगी सारी रात कीर्तन करता रहा, बस सारी रात रोटियां बनांदा रहा है, तू छकया नहीं, छकया नहीं। तो जे को खावे, कोई खावे, बनांदा रहे, सारी जिंदगी बनांदा रहे, ना पाप मिटणगे, ना दुख मिटेगा, ना हंकार मिटेगा, ना लोभ मिटेगा, नहीं मिटदा। ये भी मैं अर्ज कर दें। इस वास्ते मैं पहले दिन ही अर्ज की सी, बुनियादी गल्लां इन्हां 2-4 हाजरियां च मैं थोड़े सामने रखनिया ने, ताकि जिंदगी निरी कर्म कांड च ना लंघ जाए। जितनी गहराई तो शब्द उठदा है, नाभी तो उठदे आवाज़, इतनी गहराई तक कोई स्रोता होवे, ते मैं फिर दोहरावां सुरत दे 3 अर्थ ने। सुरत शब्द बनया है सरवन तो, कन्ना तो, सुरत सुनना इत सुरत दे च है, सुरत समझना इनू सुरत आ गई, सुरत जुड़ना इहदी सुरत जुड़ गई। सुरत दे 3 अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। गुरबाणी दे वाकां दी चाल दे मुताबक सुरत दे अर्थ 3 ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। इत्थे स्रोता है, सुरत दे च है, सुन रहा है, ते जे सुन रहा है ते सुरत आ जाएगी, समझ आ जाएगी। जे सुरत आ गई है ते सुरत जुड़ जाएगी, ध्यान जुड़ जाएगा। सुरत दे 3 अर्थ ने, पर सुरत आ गई है इस करके सुरत दे सी, सुन रहा सी। सुरतवा धर्मंग विजाना थी, उपनिषदों के ऋषि भी कहते हैं सरवन करने से ही धर्म की प्राप्ति है। सुनना मूल है, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। पाप नहीं नाश होए, मेरे दुख नहीं नाश होए, मैं नहीं सुने। तरह तरह के सज्जन मित्र मिलते हैं। दिल्ली दे इक लंबा चौड़ा चिट्ठा मैनू दे दिता कि ज्ञानी जी अज ते कथा तुसी यही करो, थोड़े दुख मिट गए ने, थोड़े पाप मिट गए ने, मैनू भरी संगत च कबूल करना पिया, मैनू समझ आ गई है पाप किवें मिटदे ने, दुख किवें मिटदे ने। मेरे दुख मिटे नहीं, मेरे पाप मिटे नहीं, क्योंकि मैं अजे इतनी गहराई तो स्रोता नहीं, मैं इसनू कबूल करदा। तुसी निकम्मे चक्करां च भी ना पैना, मैं गुरबाणी दा वक्त हाँ, केवल वक्त हाँ, अर्थ बहुत सुणांदा। पर इसनूं तुसी हंकार समझ लो, मैनूं समझ आ गई है, समझ आ गई है।
दुख किवें मिट सकते ने मैनू समझ आ गई है, पाप किवें मिट सकते ने यह मैनू समझ आ गई है। तो यह भी मेरा हंकार समझ लो, भावें कुछ समझ लो, मैं यह देखदा 90% लोगों नूं यह समझ भी नहीं आई। नहीं नाम ने सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। पाप नहीं नाश होए, मेरे दुख नहीं नाश होए, मैं नहीं सुनिया। तरह तरह के सज्जन मित्र मिलते हैं। दिल्ली दे इक लंबा चौड़ा चिट्ठा मैनू दे दिता भी ज्ञानी जी अज ते कथा तुसी यही करो, थोड़े दुख मिट गए ने, थोड़े पाप मिट गए ने, मैनू भरी संगत च कबूल करना पिया, मैनू समझ आ गई है पाप किवें मिटदे ने, दुख किवें मिटदे ने, मेरे दुख मिटे नहीं, मेरे पाप मिटे नहीं, क्योंकि मैं अजे इतनी गहराई तां सरोता नहीं, मैं इस नूं कबूल करदा। तुसी निकम्मे चक्करां च भी ना पैना, मैं गुरबाणी दा वक्त हाँ, केवल वक्त हाँ, अर्थ बहुत सुणाना, पर इस नूं तुसी हंकार समझ लो, मैनूं समझ आ गई है, समझ आ गई है दुख किवें मिट सकदे ने, मैनूं समझ आ गई है पाप किवें मिट सकदे ने, यह मैनूं समझ आ गई है। तो यह भी मेरा हंकार समझ लो, भावें कुछ समझ लो, मैं यह देखदा 90% लोगों नूं यह समझ भी नहीं आई, नहीं आई। यह भी मर्ज यह बुनियादी नुकता है जिहड़ा समझना है। नहीं मैं तो चार पाठ किए ने सुखमनी साहब दे, तू एक अष्टपदी कर, किसे रस दे च कर, आनंद दे च कर, उचारण कर, ते तू सुन एवें घास कट्टी गए। जे सुनिए दुख पाप का नास, सुनन नाल नास होंदा है, दुख ते पाप सुनन नाल मिटदे ने, केवल सुनन मात्र नाल नहीं है, जितनी गहराई तो बोल बार निकलते ने इतनी गहराई तो कोई सुने, इतनी गहराई ये तां हो सकता है ध्यान पूरा होवे, मुकम्मल होवे। तो खैर हुण इसे विषय नूं मैं लमकावां ना, जैसे अंदर बोलण दा ख्याल पैदा होंदा है पवन नाभी नाल टकरांदी है, नाभ थोड़ी जिहा खुलदी है, उत्थों धुन निकलदी है, उहनूं कहिंदे ने परा, आवाज़ ते है, इहदे च अल्फाज कोई नहीं, धुन ते है, इहदे च अखर कोई नहीं, यह हिरदे तक पहुँचती है, इत्थे तक पहुँचदिआं पहुँचदिआं इस नूं अखर मिल जांदे ने, पड़ाओ दर पड़ाओ कंठ तक पहुँचती है, पूरा वाक बन जांदा, जबान बयान कर देंदी, जबान ने उचारण किया, वाहेगुरु भोजन बन गया, भोजन बन गया, सूक्ष्म शरीर की खुराक बन गई, हुण मैं सुना ते छकना, जे को खावे कोई खावे, निरी खावे ना हजम भी करे। मैं देखिया कई थोड़ा बहुत किधरे छक लेंदे ने, रस आ जांदा, फिर उन्होंने हजम नहीं आता, ओदे नाल बहस कर, ओदे नाल बहस कर, ओदे नाल बहस कर, वो कुछ नहीं है, वह कुछ नहीं है, उन्हें सारे बुरे दिखाई देने लग पे। इस तरह के मैं सतसंगी देखे ने, वो की आता है, उन्होंने हजम नहीं होया, पचया नहीं, जे को खावे जे को बुंचे, बुंचे भी सही, हजम भी करे, पचावे भी सही। एक छोटी जी गाथा थानू सरवण करावां, गल स्पष्ट हो जाएगी। मुहम्मद साहब दे दोते हज़रत अली दे लड़के, हज़रत अली मुहम्मद साहब दे दामाद सन, हसन हुसैन मुहम्मद साहब दे दोतरे सन, हुसैन छोटा सी, बहुत छोटा सी, अजे 6 साल दा, नाने नूं कहण लगा, हज़रत जिहड़ी फजर दी नमाज तुसी पढ़दे हो ना, मैनू भी उठाना, मैं भी पढ़ांगा फजर अमृत वेले दी नमाज, क्योंकि 5 नमाजा ने जिहड़ी सवेरे पढ़ते हैं उन्होंने फजर दी कहिंदे ने,
फिर जोहर दी नमाज, फिर असर दी नमाज, फिर मगरब दी नमाज, शाम नो सूरज गरूब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, लाली छाई होती है, उस वक्त जिहड़ी नमाज पढ़दे ने उहनू इशा दी नमाज कहिंदे। बाकी चार नमाजा मुहम्मद साहब दा इह दोता पढ़दा सी, असर दी, जोहर दी, मगरब दी, इशा दी। पर अमृत वेले विचारा सुत्ता रहिंदा सी, छोटा बच्चा मासूम, ते किधरे इस मासूम बच्चे ने कह दिता, हजरत तुसी कहिंदे हो फजर दी नमाज दी महिमा बड़ी है, अमृत वेले दी महिमा बड़ी है। धन गुरु रामदास जी महाराज कहने, हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। इनू शेख सादी साहब इंज बयान करते हैं, दुआ कुन ब शब चो गदाया सोज। ईरानी सूफी संत, दुआ कुन ब शब चो गदाया सोज, अगर मैं कुनी बादशाही बरोज। जे दिन दे समय तू बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है, तो रात दे चौथे पैर खुदा दे अगो मंगता बन जाया कर, भिखारी बन जाया कर। गदाया, गदागर, भिखारी। सादी कहिंदे जो अमृत वेले फजर दे समय खुदा दे अगों भिखारी नहीं बनते, दिन दे समय वो बादशाहां दी जिंदगी नहीं बतीत कर सकणगे, रोंदे पिटदे रहणगे, चलांदे रहणगे। दुआ कुन ब शब चो गदाया सोज, अगर मैं कुनी बादशाही बरोज। इस मासूम बच्चे ने कहा, तुसी इतनी महिमा दसदे हो, फजर दी नमाज मैं भी पढ़नी। भावें मुहम्मद साहब ने आख्या तू अजे छोटा है, कोई नहीं, तेरी चारां नाल भी गल बनेगी। जिद की थी उन्हें, आख्या नहीं, मैनू घाट महसूस होंदी है, वो मैं जड़ी एक नहीं पढ़दा, हद हो गई, मुसलमान पंज वक्त पढ़दे ने, सिख नू दो वक्त दा सत्संग है, दो वक्त वास्ते भी टाइम कोई नहीं। बच्चे ने इतना जोर दिता, आखिया हजरत मैनू जरूर फजर दी नमाज दे समय उठाना है, तुसी उठाना है, तुसी मैनू नाल लेके जाना है। उस वक्त अंधेरा भी आंदा, कल्ला बच्चा पै खांदा है, तुसी लेके जाना है मैनू। अश्क बार अखा सन, बच्चा रोंदा जिहा हो गया। मुहम्मद साहब नू तरस आया, अच्छा बेटे मैं तेनू उठावांगा, नाल ले जावांगा। सवेरे उठाया, खुद उजू कीता है, मुहम्मद साहब ने बच्चे ने भी कीता है। ये पंज शनाना कर देन, हाथ पैर मूँह धोना, कन्न धोने, वजू, बच्चे ने भी वजू कीता। नमाज पढ़ी, रस बड़ा आया। अमृत वेले दी अपनी महिमा, हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाई। इहदे उत्ते बहुत कुछ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी च, भाई गुरदास जी दी रचना, और नंद लाल ते इत्थे तक कहिंदे ने, बेदारी अस्त जिंदगी ऐसा बान शौक, गोया हराम करदम आइंदा ख्वाब सुबह। गोया उन्हां दा तखल्लुस है नंद लाल दा। भाई साहब कहिंदे ने, जिस मनुख ने किसे एक दिन वे अमृत वेले जाग के नाम जपया है, उन्हों ए समझ आउंदी है, अज तक जो मैं अमृत वेले सुत्ता रहा, हराम सुत्ता रहा, मेरा सोना सारा हराम सी, हलाल नहीं सी, गोया हराम कर दम। इतनी वड्डी ताड़ना भाई साहब, भाई नंद लाल। बच्चे नूं रस आया है, चंगी फिसाद, चंगे माहौल विच पल रहा सी। पिता भी जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पंज प्यारे सन, मुहम्मद साहब के चार यार सन, चार यारां दे चों हज़रत अली एक यार है। सारे
शिया मुसलमान मुहम्मद साहब तो बाद दूजा दर्जा हजरत अली नू देंदे ने। सारे सुन्नी मुसलमान हजरत मुहम्मद साहब तो बाद दूजा दर्जा हजरत उमर नू देंदे ने। ईरान सारे दा सारा शिया मुसलमान है, अफगानिस्तान भी, लेकिन अरब सुन्नी ने। इन्हां दे चे दो बहुत वड्डे फिरके ने, शिया सुन्नी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, नमाज पढ़ के ज्यों घर दी तरफ चले, पुराना जमाना आज तो 1400 साल पुरानी गल, ते अरब देशां दी गर्मी, लोकी कोठियां ते सुते हुए सन, गलियां दे चबूतरे ते सुते हुए सन, अमृत वेले जरा ठंड हो जाती है, रेत ठंडी हो जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, नींद गहरी आती है। इन्हां सारियां नूं सुत्ता होया देख के हुसैन कहिंदा है अपने नाने नूं, हज़रत ये कितने कमबख्त बदनसीब लोग ने और कितने मूर्ख ने, आबे हयात दी बारिश पई हो रही है, रब दियां नियामतां दी बारिश हो रही है, ये सुते पै। पता है मुहम्मद साहब ने की आख्या, एक दिन फजर दी तू नमाज की पढ़ीए और तेनों सारे मूर्ख दिखाई देन लग पे। इनू पचा, इनू हजम कर, इन्हां ते तरस आना चाहिदा सी, मूर्ख कहण दी लोड़ नहीं, इन्हां ते दया करनी चाहिदी सी। छोटा मासूम बच्चा है, गिजा बड़ी हैवी सी, हजम नहीं हुई। जे को खावे जे को पुंछे, कोई खावे हजम भी करे। मैं सिख जगत दे च भी देखिया, माड़ी मोटी किधरे गल दी समझ पै जांदी है, उहदे नाल मत्था मार देने, उहदे नाल मत्था मार देने। इस तरह के मत्थे टकराने वाले मैनू हर शहर दे च मिलदे ने। तो देख के मैनू कहना पैंदा पची नहीं, हजम नहीं आया, माड़ा मोटा कीता है, हजम नहीं आया, पचिया नहीं। जे को खावे जे को बनछे। हुण मैं अर्ज करा, भोजन की बुरकी मूँह दे राही अंदर जाती है, प्रभु का नाम कन्ना दे राही अंदर जाएगा। धुन उठती है पवन करके, पवन दे टकराव नाल, नाभि तो हिरदे तक, हिरदे तो कंठ तक, कंठ तो रसना तक जबान बयान कर देंगे। जबान एक ऐसा आला है जो अंदर दे भाव नूं अखरां नूं प्रगट करके रख देंदी है। हुण इसे धुन नूं कन्ना दे राही वापस लै जाना है। वापस लै जाण दे पड़ाव ओही ने, मधमा, पसंती और परा, पड़ाव ते ओही ने, नाभि उत्थे तक लै जाना। अगर किसी की गहराई मधमा तक होवे, सुनना इतना गहरा होवे, पूरा ध्यान देने फिर भी ध्यान है, पूरी एकाग्रता नहीं फिर भी एकाग्रता। वाहिगुरु वाहिगुरु उच्चारण कर रहे हैं पर स्रोत की गहराई इतनी है कंठ तक, मधमा तक, तो पहचान की होवेगी। ऐसे मनुख नू वाहिगुरु वाहिगुरु आखण का रस आण लग जाएगा, ऐसे मनुख नू बाणी जपण का रस आण लग जाएगा, ऐसा रस जो अज तक इसने नहीं चखिया होवेगा। ये भी मैं अर्ज करा, बिस्माद भी होवेगा। ऐसे मनुख नू गुरबाणी कहती है प्रभु का नाम एदी रसना ते बस गया, प्रभ जी बसे साध के रस, साध है, साधना कर रहे हैं। आप दी ज्ञातली अर्ज करा, 10,000 दे करीब सतसंगी बैठे होवन किसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च दे च, एक जग्यासु होंदा है। जग्यासु तो मुराद जिन्हों समझ आ गई ये गल की है, एक होंदा है, वो 10,000 नहीं आंदे, नहीं आंदे। 10,000 दे करीब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दे बैठे हवन एक जग्यासु होंदा है, जो जागे है थोड़ी समझ आ गई है, पता चल गया।
दस हजार जगह आसो अवन एक साधु आंदा है। साधु जिन्हों रस आन लग पे चल पे निरा जागया ही नहीं कुछ पेंडा तय कर ले इनू रस आन लग पे इनू गुरबाणी जपण का रस आन लग पे इनू नाम जपण का रस आन लग पे। साधु हुण ध्यान नाल सुनना दस हजार दे करीब साधु बैठे अवन एक संत आंदा है। एक संत आंदा कौन जो समाधि लीन हो गया भगवंत दा रूप हो गया सच दा रूप हो गया एक आंदा है। इस तरह कोई करोड़ों च एक आंदा है। कोटन में नानक नारायण जय जी पंजाब दे ते इट पुछो दस दस वीवी संत निकलते हैं हर पिंड दे दस दस वीवी। मैं एक दफा फिर अर्ज करा दस हजार सत्संगी बैठे अवन एक जगह आसू आंदा सारे नहीं आंदे ते दस हजार जगह आसू अवन एक साधु आंदा। दस हजार साधु बैठे अवन उन्हां च एक संत आंदा बाकी नहीं आंदा बाकी नहीं आंदे। साध नाम निर्मल ताके करम उदी रसना ते परमात्मा वस गया प्रभ जी वसे साध की रसना उन्हों स्वाद आन लग पिया। ये स्वाद इसनों वापस ते नहीं मुड़न देगा। हो सकता है अगे जाण दे च उखियाई होवे क्योंकि चढ़ाइया ने अगे चढ़ाई है जिन्हों कबीर इंज कहिंदे ने जय मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर एक औगट घाटी राम की ते चढ़ रहे कबीर। एक बिखड़ी घाटी ते मैं कल्ला ही चढ़ रहा ना मेरे अगे कोई ना मेरे पिछे कोई। निवाण दे जिस पासे चतर चलाक बंदे चल पे ने बड़ी भीड़ पानी निवाण की तरफ अपने आप जांदा। लोभी बनन लई कामी बनन लई हंकारी बनन लई कोई किताबां पढ़न की लोड़ नहीं किसी तो प्रेरणा लैण की भी लोड़ नहीं मनुख आपे ही हो जाता आपे ही हो जाता। पानी निवाण की तरफ आपे ही जाता चढ़ाना है प्रेशर देना पड़ेगा उंज नहीं जाएगा नहीं जाएगा। कई दफा ऐसा भी आंदा है प्रेशर का मारिया होया फुहारे का पानी उपर उठता है धरती की खिच का मारिया होया फिर थले। आप दी ज्ञातली अर्ज करा जिथे जमीन हर आकारक वस्तु नू अपनी तरफ खिंचती है चाहे कितनी उपर सुटी है मनुख की सुरत नू भी थले खिंचती है क्योंकि सुरत दे धन आ गया रूप आ गया सब जमीन का हिस्सा है जमीन खिंचती है उपर नहीं उठन देती मनुख की सुरत नू भी नहीं उपर उठन देती। किसी वक्त इस दिया भी बारीकियां मैं थोड़े सामने रखांगा। निवाण की तरफ पानी आपे जाता है चढ़ाइया की तरफ आपे नहीं जाएगा। पानी नू इतना गर्म करिए कि भाप बन जाए हल्की हो जाती है उपर उठ जाती गगन मंडलां चली जाती है। इस वास्ते कहिंदे जप की है तप है तपश है जप तप वो जो तपश है उसे नू योगा अगन कहिंदे ने उसे नू ब्रह्म अगन कहिंदे ने। भगत कबीर ने ब्रह्म अगन आख्या उस तपश नू जप दे तप नू ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एके चोट सिधाया। बार दी दावा अगन कुछ भी आकारक चीज़ा ने जला के खाक कर देंदी है। ब्रह्म अगन जन्मा जन्मांतरां दे संस्कार पाप दुख जला देंदी ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एके चोट सिधाया। ये अगन किवें पैदा होंदी है जप तप जप तो तपश पैदा होंदी है जप तो अगन पैदा होंदी है। ये नाम अगन है गुरु नानक इसनों नाम अगन कहिंदे ने पतंजलि इसनों योगा अगन कहिंदे ने कबीर इसनों ब्रह्म अगन कहिंदे ने। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एके चोट सिधाया जिसकी गहराई कंठ तक ऐसे मनुख नूं स्वाद आएगा। गहराई वध गई है कितने हिरदे तक ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा है
वह जो व्यापक है परमात्मा की आवाज़ जिदे पंज शब्द ने सुनन लग पैंदा है। पंजाब दे जो दो चार अपने आप नूं गुरु कहिंदे ने लखां दी तादाद विच नाल बंदे जोड़े हुए ने, वह कहिंदे ने सिखां नूं इन्हां पंज शब्दां दा नहीं पता। वाह जे पंज शब्द ते घर सभा गए, घर सभा गए शब्द वाजे कला जित करदारिया, पढ़ी तो जाने पर पंज शब्दां दा पता कोई नहीं। और बहुत सारिआं नूं वरगला के अपने नाल जोड़िया होया गुरु ग्रंथ साहिब तो तोड़े। इत्थे तक ध्यान पहुँचदिआं, शब्द दे पहुँचदिआं, धुन दे पहुँचदिआं मनुख अनाहद नूं सुनन लग पैंदा है। अनाहद नूं सुनना इंज है, मनुख दर ते पहुँच गया है, शब्द दर है, शब्द नूं सुनन लग पे दर तक पहुँच गया। जित दर वसें कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लयो, दर कैसा है सो दर कहा सो घर कहा, वो दर तक पहुँच गए पर घर तक नहीं, दरवाजे तक पहुँचे। इसे नूं कबीर कहिंदे ने दरमा दे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल किवार। प्रभु तेरे दर तक पहुँच गया, तेरी आवाज़ सुन रहा, तेरी झलक नहीं मिल रही, अनाहद नाद सुन रहा, परम प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा प्रकाश तिथे नाद विनोद कोड आनंद महा आनंद महारस, जिन्हों कह दिता है कहन ना जाई अकत, नहीं किया जा सकता। जिन्होंने ये रस माणिया नहीं, उन्हां दे दुनिया दे दावे ने असी समाधि लेना रस प्राप्त कर लिया, ते जिन्हां नूं रस आ गया वो चुप कर गए, कुछ कहन जोगा ना होए। आम दुनिया अक्सर दुबदा च रहिंदी है। गालिब कहिंदे ने जिस को खबर थी तेरी वो बेखबर मिला, किससे पता पूछें जाना ने जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिस दे कुल तेरा पता है सी, तेरी खबर है सी, वो ते कुछ दसन जोगा नहीं सी, ते जेड़े दसदे पए ने उन्हां नूं तेरी खबर कुछ भी नहीं, कुछ भी पता नहीं। किससे पता पूछें जाना ने जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिन्हों कुछ स्वाद आया रस आया कुछ खेड बने अनाहद नाद सुनया, वो तो कुछ कहन जोगा ही ना रहा, चुप कर गया, वो तो कुछ दसन जोगा ही ना रहा। तो जेडे दसदे पे ने इन्हां कोल है नहीं कुछ, कुछ ही खबर नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। ये भी एक अलग जिहा विषय, गुरबाणी इसनों बड़ी गहराई नाल बयान कर दी है। किसी वक्त थोड़े सामने खोलांगा। सारी दुनिया धुआंधार कहण वाले वह ने जिन्हां नूं कख नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। कबीर कहिंदे ना अनाहत दी धुन ते सुणदे पया तेरे दर तक ते पहुँच गए, प्रभु हुण दरवाजा तू खोल, ये दसम द्वार तू खोल, तेरी झलक वेखीए। तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के वा। उस दर की भी बड़ी महिमा, जिहड़ा दर तक पहुँच गया बड़ी ऊंचाई ते पहुँच गया, बस एवरेस्ट दे थोड़े जिहा थले ही खड़ा है। महान नाद वो सुन रहा है, अनहद नाद वो सुन रहा है। अगर जप जारी रहा ये धुन फिर धुनी नाल टकरांदी है, ये धुन परा बन जाती है, जिथों उठी सी धुन उत्थे पहुँच जाती है। जैसे पहुँचती है नाभि पूरी खुल जाती है, जैसे नाभ पूरी खुलती है जबान बंद हो जाती है, उच्चारण नहीं करती वाहिगुरु वाहिगुरु। एक शब्द मेरे प्राण वसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा,
वो शब्द उसके प्राणा च चलता है, नाफ खुल जाती है, सूक्ष्म शरीर अस्थूल शरीर तो निर्लेप हो जाता है।